So in this video, we will discuss some important information regarding the Development Assistant Examination of NABARD, which is scheduled to be held on 21st of October. So friends, jaisa ki humne promise kara tha, aaj is video mein hum discuss karenge kuch mahatvapurn jankari NABARD ke Development Assistant Examination jo ki 21 October ko hone wala hai. So friends, very good evening, welcome to your own channel, The Humble Guy. Let's begin. सबसे पहले एक नजर डालते हैं कि कैसे कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कि आप सभी को पता है. रीजनिंग 30 मार्क्स, फॉन 30 मार्क्स, कंप्यूटर नॉलेज 40 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 50 मार्क्स एंड टोटल टाइमिंग इज कंपोजिट. कंपोजिट टाइमिंग किस इस टाइमिंग में डेढ़ घंटे में आप यू कैन स्विच ओवर फ्रॉम रीजनिंग टू क्वांट और क्वांट टू कंप्यूटर नॉलेज और जनरल अवेयरनेस टू रीजनिंग. ठीक है, किसी भी सेक्शन के बीच में आप स्विच कर सकते हैं. अब फ्रेंड्स, इसमें आपको एक चीज बता दूं कि रीजनिंग और क्वांट में ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता, सभी के लगभग वैसे ही मार्क्स रहते हैं, दो तीन नंबर का हेर फेर रहता है. तो प्रश्न उठता है कि कहां पर स्कोर किया जाए. तो देखिए, कंप्यूटर सेक्शन वेरी हाई स्कोरिंग, ठीक है, यू ऑल आर वेरी टेक सेवी. कईयों के आपके पास, आप लोगों में कईयों के इंजीनियरिंग की डिग्री भी है, कई ने बीसीएमसीए कर रखा है. इस सेक्शन को आप निग्लेक्ट मत करिए, इसमें सिंपल सिंपल सवाल आते हैं. इफ यू विल सी अ फ्यू एग्जामिनेशन ऑफ जस्ट, आप देखिए जो पिछले दिनों हुए हैं, NICL का देख लीजिए, मेंस, आरआरबी क्लर्क का मेंस देख लीजिए, उनमें काफी आसान आसान सवाल आए थे और इस बार भी उसी तरह की उम्मीद कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज द पेपर ऑफ डेवलपमेंट असिस्टेंट. इसमें जो कॉमन शॉर्टकट्स हैं एमएस वर्ड के, एमएस पावर पॉइंट के, एमएस एक्सेल के, ठीक है, वो आप जरूर देख लीजिए. जैसे कि पिछले एग्जामिनेशन में भी आपने देखा होगा F1 इज इक्वल टू हेल्प, F12 इज इक्वल टू सेव, ऐसे करके काफी सारे शॉर्टकट्स आए थे. इसके बाद OSI मॉडल हमेशा इंपॉर्टेंट है, जो फिजिकल लेयर, डाटा लेयर, ठीक है, राउटर क्या है, फिर उसके बाद मेमोरी यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, निबल बाइट, ठीक है, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट. इसमें देखिए दो तरह के सवाल आते हैं, एक तो आ सकता है कि चार पांच दे देंगे, पेटाबाइट, टेराबाइट, इसमें से सबसे बड़ी मेमोरी यूनिट कौन सी है. दूसरा ये हो सकता है कि 1 GB इज इक्वल टू 2 raised to the power कितना. ये दो तरह के सवाल इसमें जनरली आते हैं. एब्रीवेशंस देख लीजिए, बायोस का पूछा था, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है, और भी बहुत सारे एब्रीवेशंस हैं जो जनरल एग्जाम्स में आते हैं, HTTP, FTP, ठीक है, वो देख लीजिए. उसका इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जैसे प्लॉटर हो गया, ट्रैकबॉल हो गया, ये सारा देख लीजिए. हाँ, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है. पहले वो क्या सवाल पूछते थे कि फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स यूज हुए, दूसरे में ट्रांजिस्टर्स, फिर आई इंटीग्रेटेड सर्किट्स, फिर LSI, VLSI, इस तरह के सवाल. अभी पिछले एग्जाम्स में देखा गया वो पूछते हैं कि लैंग्वेज कौन सी यूज हुई, मतलब असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, या C++, जावा, प्रो, फोटोन, बेसिक, कोबोल, इस तरह से, ठीक है. तो ये जो मोटा मोटी क्वेश्चंस हैं कंप्यूटर सेक्शन के, वो हर एग्जाम्स में आ रहे हैं. तो इस सेक्शन को आप इग्नोर नहीं कर सकते और इसमें ट्राई कीजिए. एटलीस्ट अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो 90% आप इसमें स्कोर जरूर कीजिए. इसके बाद लेट्स मूव ऑन टू वन वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन. देखिए, इस ये भी डिसाइड करेगा कट ऑफ, ठीक है, जनरल अवेयरनेस. पीपल क्या सोच रहे हैं, जो अपने लोग हैं, कि दे आर थिंकिंग दैट ऑल 50 क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम एग्रीकल्चर. ऐसा नहीं है. देखिए, जैसे बैंक में होता है कि जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग एंड फाइनेंस, लाइकवाइज यहां पर जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू एग्रीकल्चर. दैट डजंट मीन कि ऑल द 50 क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम एग्रीकल्चर ओनली, ठीक है. एंड डोंट गो वेरी डीप, टाइम इज वेरी लेस, ठीक है. आप ये 10-12 नंबर स्कोर करने के चक्कर में अपना बाकी सारा कुछ मिस नहीं होना चाहिए. इसलिए दिस इज डेवलपमेंट असिस्टेंट का एग्जाम, तो इसमें इतना डीप नहीं आएगा. लेकिन चूंकि नाबार्ड का एग्जामिनेशन है, इसमें आपको बेसिक एग्रीकल्चर पता होना चाहिए, भारत में किस तरह की एग्रीकल्चर होती है, कहाँ कहाँ पर क्या चीज़ें कम होती हैं, ज़्यादा होती हैं, रबी के सीज़न कब है, खरीफ का सीज़न कब है, ठीक है, कौन कौन से मुख्य फसलें हैं, विच आर द मेन सीरियल्स, ठीक है. इसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशंस तो पढ़ ही लीजिए, ठीक है, जो 70s में हुआ था. उसके बाद आप चाहे तो वाइट रेवोल्यूशन भी पढ़ सकते हैं, मिल्क का, ठीक है. उसके बाद एग्रीकल्चर रिलेटेड मिनिस्ट्री देख लीजिए. बजट में इफ दे हैव टोल्ड, दे हैव कम आउट विद सम स्पेशल अनाउंसमेंट्स रिगार्डिंग इंडियन एग्रीकल्चर, सो यू कैन सी डैट ऑल्सो. और इसके अलावा एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के बारे में पढ़ लीजिए. हाँ, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ICAR, दैट इज इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, वो भी आप पढ़ लीजिए, ठीक है. तो आप ये देखेंगे कि अभी नाबार्ड का एग्जामिनेशन सेकेंड टाइम ही हो रहा है, इससे पहले सिर्फ एक ही बार हुआ है, तो ज़्यादा मटेरियल तो नहीं है. लेकिन ये मान के चल सकते एग्री पार्ट में 12-13-14 नंबर के आ सकता है, करंट भी आएगा जिसमें 15 मार्क्स, स्टैटिक 15-16 मार्क्स और बैंकिंग 8-10 मार्क्स, ठीक है. तो ये आपका इसका जो है पूरा स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है. डोंट थिंक कि सारे 50 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के आ जाएंगे. तो आप एग्रीकल्चर तो पढ़ते रहिए, लेकिन साथ साथ में जो बैंकिंग पैटर्न है स्टैटिक, ठीक है, डैम्स हो गए, नेशनल पार्क हो गए, सेंचुरीज हो गए, वो भी आएंगे. करंट का देख लीजिए, बैंकिंग, फाइनेंस का देख लीजिए, ठीक है, वो भी इसमें
क्वेश्चंस आएंगे। अब इसके बाद डिस्क्रिप्टिव की बात करते हैं। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में तो इसमें ऑब्जेक्टिव है नहीं, मेंस में डिस्क्रिप्टिव है। तो डिस्क्रिप्टिव जो है सबसे पहली बात कि टाइमिंग इज 30 मिनट्स एंड यू हैव टू टाइप विद द हेल्प ऑफ द कीबोर्ड। ऐसा नहीं है कि पेन पेंसिल मोड नहीं है, यू हैव टू टाइप विद द हेल्प ऑफ द कीबोर्ड। अब इसमें आप घबराइए मत अगर आपकी स्पीड ज्यादा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो ऐसे रहेगी वो 20 मार्क्स की है, लेटर राइटिंग 15 मार्क्स की है, प्रिसिस राइटिंग 15 मार्क्स की है। तो ऐसा नहीं कि ऐसे में आपको 1000 वर्ड्स लिखने हैं, ठीक है। आप जितने का पूछा गया है 200 वर्ड्स, 150, 250 वर्ड्स, जो भी पूछा गया है उतने का ही लिखिए और उसके बाद स्विच कर जाइए लेटर राइटिंग में और फिर प्रिसिस राइटिंग में, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीजें ये हैं कि अटेम्प्ट ऑल द 3 क्वेश्चंस। अगर आपने एक भी क्वेश्चन मिस किया तो फिर मतलब कट ऑफ के आसपास आना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 15 मार्क्स आपने सीधा मिस कर दिया, ठीक है। तो यू विल बी आउट ऑफ 185। तो और कितना भी आप अच्छा लिखें 20 में, ऐसा तो है नहीं कि 20 आपको दे देंगे, ठीक है, जनरली। तो आप ट्राई कीजिए कि यू अटेम्प्ट ऑल द 3 क्वेश्चंस। 30 मिनट्स है तो आप ये मान के चलिए कि 12-13 मिनट्स ऐसे के लिए ले लीजिए, ठीक है, और 6-7 मिनट्स आप लेटर के लिए और 10 मिनट्स प्रिसिस के लिए। देखिए प्रिसिस में क्या है, यू हैव टू सी द प्रिसिस और उसको उसका आपको समरी लिखना है, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको लेटर से ज्यादा, और ऐसे में भी थोड़ा सोच के लिखना है। तो लेटर में सबसे कम, थोड़ा सा उससे ज्यादा प्रिसिस में और उससे ज्यादा ऐसे में, डिवाइड योर टाइम अकॉर्डिंगली एंड स्टिक टू द वर्ड लिमिट्स। मैं फिर से बता रहा, वर्ड लिमिट्स के आप स्कूल में भी आपको याद होगा, वर्ड लिमिट्स में अगर आप स्टिक करते हैं तो उसके भी मार्क्स होते हैं, ठीक है। अब 250 का पूछा आपने, 400 लिख दिया तो कोई उसका यूज नहीं है, ठीक है, उल्टा आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। और बाद में आके फिर आप जब एग्जाम दे के आए, हॉल से बाहर निकले, तब आप जस्ट डोंट आस्क कि मैंने 400 का लिख दिया, 300 का लिख दिया, ठीक है। अगर 200 पूछा है तो आप 210, 215 या 190-185 भी लिखिए तो प्लस माइनस 10% चलता है। उसके बाद इन लेटर राइटिंग यूज द फिक्शनल नेम गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। आप बहुत बार क्या करते हैं, अपना नाम लिख देते हैं, वो नहीं लिखना है। उसमें लिखा होगा सपोज यू आर नवीन और निकिता, ठीक है, ऐसे करके एक सपोज करके उन्होंने दिया होगा, एंड यू लिव एट मयूर विहार दिल्ली, ऐसे करके। तो वही एड्रेस आप यूज करें, एंड यू हैव टू राइट अ लेटर टू द मैनेजर ऑफ एक्स वाई जेड कंपनी। जो उन्होंने फिक्शनल नाम एड्रेस दिया है वही यूज कीजिए लेटर राइटिंग में। एंड डो नॉट फॉरगेट टू पुट द क्वेश्चन नंबर। अगर आप कंप्यूटर से आंसर कर रहे हैं फर्स्ट, तो फर्स्ट लिखिए, सेकेंड, सेकेंड, थर्ड, मतलब जो आपका इवेल्यूएशन होगा उन्हें पता चलना चाहिए कि ये लेटर राइटिंग है, ये ऐसे का आंसर है और ये प्रिसिस का आंसर है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, डू नॉट फॉरगेट टू सबमिट एंड सेव, ठीक है, जो आप कर रहे हैं उसको सबमिट सेव भी जरूर करिए, ये एक कॉमन मिस्टेक है। हाँ, प्रिसिस में क्या होता है, बहुत लोग प्रिसिस तो लिख देते हैं लेकिन सुटेबल टाइटल नहीं देते हैं, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन में, तो 0.25 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो गिव अ सुटेबल टाइटल टू द प्रिसिस, ठीक है। तो ये सारा चीज आप अडहेयर कीजिएगा। और इसके बाद लोग बोल रहे थे, पिछले वीडियो में भी हमने डाला था, तो आप ये देख लीजिएगा कि ये लास्ट ईयर्स के ऐसे चॉइसेस हैं। ऐसे के लिए आप स्पेशली कोई तैयारी मत कीजिए, ठीक है। ये सारे कॉमन टॉपिक्स हैं अभी तक जो आपकी जिंदगी है 20-25 सालों की, उसमें आपको मतलब एम्पल एक्सपीरियंस यू हैव गॉट टू राइट एटलीस्ट 150 और 200 वर्ड्स ऐसे ऑन दिस टॉपिक, ठीक है। इसमें कोई आपको यूपीएससी लेवल के ऐसे की उन्हें कोई उम्मीद नहीं होगी कि इस, और उन्हें चाहिए भी नहीं वैसा, ठीक है। तो इससे ज़्यादा, इससे अच्छा जो अभी 4 दिन रह गए हैं उसमें आप अपना जीके इम्प्रूव कीजिए, कंप्यूटर्स इम्प्रूव कीजिए, ठीक है। अब ये मोटा मोटी मान के चलिए कि एटलीस्ट आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो 150 प्लस तो आपको स्कोर करना ही होगा, ठीक है, मिनिमम। तभी आप होप कर सकते हैं 145-150 मिनिमम। और देख ही रहे हैं आप, लास्ट ईयर से तुलना करें तो हर एग्जाम के कट ऑफ में शूटअप हो रहा है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी इंपॉर्टेंट लगी आपके साथ शेयर करने की, तो ट्राई कर रहे थे बहुत दिनों से लेकिन वही जस्ट थोड़ा सा टाइम की कमी थी। तो ये तो हो गया। अब आफ्टर डे आफ्टर टुमारो विल ट्राई टू पुट सम सैम्पल क्वेश्चंस ऑफ दिस जनरल अवेयरनेस एंड कंप्यूटर्स, ठीक है, फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल आवर व्यूअर्स। तो फिलहाल के लिए इतना ही, रखिए अपना ख्याल और दीजिए मुझे इजाज़त। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार एंड गुड बाय।